हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनम के कुछ दिन पहले ही विजय के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद सोनम ने अपने ससुराल में सभी को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो घर का सारा काम किया करती और सभी को बहुत खुश रखती, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने वो कहाँ गुमसुम सी रहा करती थी। एक दिन काफी समय के बाद सोनम का देवर रोमी अपने घर लौटता है और आते ही वो अपनी भाभी को देखता है और कहता है, भाभी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? हाँ देवर जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए हैं। कहाँ रह गए थे? घर आने का मन नहीं कर रहा था क्या आपका? भाभी ऐसी बात नहीं है, वो बस दोस्तों ने जाने नहीं दिया घर, तो मैं भी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। लेकिन आखिरकार ना मेरा एक दोस्त अब भी आ गया साथ। देवर जी, आप अपने दोस्त को कहाँ छोड़ आए? साथ नहीं लेकर आए क्या, या दरवाजे पर ही छोड़ दिया? अरे नहीं भाभी, यहीं पर है वो, बस सामान लेकर आ रहा है। रोमी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर रोमी का दोस्त करण आ जाता है और उसे देखकर रोमी कहता है, ये लो भाभी, आ गया मेरा दोस्त। ये है करण, और करण ये है मेरी भाभी। ये बहुत अच्छी हैं, और भाभी करण भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओ भाभी, लेकिन मैं तो इनका अरे ये तो मेरा पुराना दोस्त है। करण, तुम मेरे देवर को जानते हो, और मेरी शादी में क्यों नहीं आए तुम? अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम शादी कर रही हो, और कम से कम शादी में ही बुला लेती। क्या भाभी, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अरे हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत करीब से, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, इसकी मजाक करने की पुरानी आदत है बस। लगता है आप इसे ज्यादा ही जानती है। चलो अब अंदर भी चलो, या यहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे? इतना कहकर सभी अंदर चले जाते हैं। यूं ही एक दिन और बीत जाता है, और आधी रात को जब सोनम पानी पीने के लिए जाती है, और तभी वहाँ पर पीछे से आकर उसे कोई कमर से पकड़ लेता है, और ये देखकर सोनम चिल्लाने ही वाली थी, तभी वो उसके मुंह पर भी हाथ रख देता है। और जब सोनम पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त करण था, जिसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ पकड़ने की? अरे क्यों ना पकड़ू, अरे आखिर तुम्हारा पुराना आशिक हूँ, तो कम से कम इतना पकड़ने का हक तो है मुझे। तुम यहाँ आए क्यों हो, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो गया, समझे तुम? अरे ऐसा क्यों कह रही हो, खत्म तुमने किया होगा। मैंने कुछ खत्म नहीं किया, और ना ही कभी करूँगा। अब तुम करना क्या चाहते हो यहाँ आकर? मेरी शादी हो चुकी है, और मैं किसी और की हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी उनसे करती हूँ, समझे तुम? जाओ यहाँ से। और मेरा क्या, तुम बस अपने ही बारे में सोच रही हो, मेरा कुछ नहीं। अरे इतने सालों से हम साथ रहे, लेकिन तुमने एक ही पल में मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, समझे तुम? मेरी मजबूरी थी शादी करना, मैंने धोखा नहीं दिया था तुम्हें। लेकिन अब यही घर मेरा सब कुछ है। सोनम तुम ये सब कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। क्या अच्छा नहीं होगा, बताओ क्या करोगे तुम ऐसा? तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन तुम्हारी कुछ निशानी है मेरे पास, जो अगर मैंने तुम्हारे इस प्यारे ससुराल में दिखा दी तो सब तुम्हें वैसे ही बाहर कर देंगे। इतना कहकर अब करण वहाँ से चले जाता है, और उसके जाने के बाद सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है। अगली सुबह सोनम सभी के लिए नाश्ता बनाती है, और घर के सभी लोग एक ही जगह बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी करण के सामने वाली कुर्सी पर सोनम बैठ जाती है, और तभी वहाँ रोमी आता है और कहता है, अरे वाह भाभी, मेरे बिना ही आप लोगों ने नाश्ता करना शुरू भी कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है देवर जी, आइए आप भी बैठ कर नाश्ता कर लीजिए। इतना कहकर अब सोनम अपनी जगह बैठ जाती है, तभी करण कहता है, क्या यार रोमी, इतनी देर से सोकर उठता है तू? अरे भाभी से सीख कुछ, सुबह उठकर जल्दी से नाश्ता बना दिया, और हम जब साथ में थे ना, तो इससे भी पहले उठ जाती थी ये। क्या कहा, पहले जल्दी उठती थी? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि भाभी पहले उठती है? वो देवर जी, ये मेरे घर के सामने ही रहते थे ना पहले, इसलिए नहीं पता है। ओ तो ये बात है, सही है भाभी, तू भी ना भाभी का पुराना दोस्त नहीं, पुराना आशिक लगता है। अरे ऐसा ही कुछ समझ ले भाई, तेरी भाभी का पुराना आशिक ही सही। तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो, आराम से नाश्ता करो,
इतना कहकर अब सभी नाश्ता करते हैं, लेकिन अब भी करण सोनम को आंखें दिखा रहा था, क्योंकि सोनम ने उसकी बातचीत बीच में ही काट दी थी। हर दिन किसी ना किसी बहाने करण उसके पास जाने की कोशिश करता। यूं ही एक दिन अब घर पर सोनम का पति विजय आता है और करण को घर में देख कहता है, अरे सोनम, ये लड़का कौन है? आज से पहले तो इसे मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। विजय जी, ये देवा जी के दोस्त हैं। कुछ दिनों पहले ही यहाँ आए हैं, ऐसे ही रहने के लिए देवा जी के साथ। अब जल्दी ही वापस चले जाएंगे। अरे किसने कहा मैं जल्दी जाऊंगा? अब तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊँ। क्यों, तुम्हारे पास तुम्हारा घर नहीं है क्या रहने को? अरे सोनम, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे भाई का दोस्त है, और करण, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो, ठीक है ना? थैंक्स। वैसे मैं यहाँ किसी को लेने आया था, और उसके बिना मैं जाऊंगा भी नहीं। किसे लेने आए थे तुम यहाँ? है कोई जिसे मुझसे किसी ने छीन लिया था, बस मैं भी वापस उसे छीनने आया हूँ। इतना कहकर करण अब वहाँ से चले जाता है, और विजय को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। यूं ही एक दिन और बीत जाता है, और अब सोनम का पति और उसका देवर किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अब सोनम घर में अकेली थी करण के साथ। ये मौका देखते ही करण सोनम के कमरे में चले जाता है और उसे कहता है, सोनम, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा क्या फैसला है, मेरे साथ जाओगी या नहीं? मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ ना कि मैं यहाँ खुश हूँ और नहीं जाना चाहती हूँ कहीं भी तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से। ये ड्रामा बंद करो तुम, और आज ही इसी वक्त तुम मेरे साथ जाओगी, समझी? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाओ तुम यहाँ से। आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इतना कहकर अब सोनम को करण हाथ पकड़कर खींचने लगता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। तभी वहाँ पर सोनम का पति और देवर आ जाते हैं। ये सब देखकर वो कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ओ, तो तुम आ ही गए। आज तुम्हें भी सच पता चल ही जाना चाहिए। कब तक तुम्हें धोखा देती रहेगी ये? क्या कहना चाहते हो तुम? ये जो तुम्हारी आज बीवी है ना, मैं इसका पुराना आशिक हूँ। इसने मेरे साथ कई रातें बिताई हैं। हम दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन इसने मुझसे शादी नहीं की और मुझे धोखा दे दिया और तुम्हारे साथ शादी कर ली। इसलिए अब मैं इसके किए की सजा इसे देने आया हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन पहले भले ही तुम दोनों साथ थे, लेकिन अब ये मेरे साथ है और मेरी पत्नी है। तुम्हारे साथ इसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, समझे? अब तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर अब करण सोनम को साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि सोनम के देवर रोमी ने पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लिया था, और पुलिस करण को अपने साथ ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।